बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे हाथ में ओप्पो का मोबाइल है, तो इसका हम IMEI नंबर रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं और यहाँ अबाउट फ़ोन में 37M जो है इसका मॉडल नंबर है। तो इसका हम ऑन मोड में IMEI नंबर रिपेयर करेंगे एक फ्री टूल की मदद से। तो सबसे पहले चलते हैं PC की स्क्रीन पर। तो PC की स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ से मैंने मिरेकल क्रैक को जो है वो ओपन कर लिया है। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक फ्री टूल है, क्रैक है। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल M को दबा देना है तो IMEI का जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। फिर इसके बाद IMEI स्विच ऑन मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है और मोबाइल में *800 डायल करके यहाँ से जो मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ ये सब कुछ इनेबल कर लेना है। तो आपके पास जो है वो MediaTek का पोर्ट शो हो जाएगा ऑन मोड में। तो मैं आपको डिवाइस मैनेजर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लिया है। आप देख रहे हैं MediaTek USB VCAM का जो है वो पोर्ट शो कर रहा है। तो इस ड्राइवर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये MediaTek USB VCAM जो ड्राइवर है वो दिखा रहा है। तो यहाँ तक सब कुछ ओके है। तो इसके बाद जो है हमने टूल में अपने दोनों IMEI नंबर एंटर कर लेने हैं। तो यहाँ से मैं अपने दोनों IMEI नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो IMEI नंबर यहाँ पर मैंने तकरीबन एंटर कर लिए हैं और इसके बाद हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लिया और मैं आपको मोबाइल का स्क्रीन भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आपने मोबाइल में जो है वो *800 डायल कर लेना है और दोबारा से वो USB VCAM का जो ऑप्शन यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर लेना है तो आपका मोबाइल कनेक्टेड मोड पर आ जाएगा और रिपेयर IMEI का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं IMEI नंबर तकरीबन रिपेयर हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया। तो अब चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और अब अपने IMEI नंबर चेक कर लेते हैं। 4806। तो IMEI वही शो कर रहा है। तो आपने मोबाइल को जस्ट ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना है। तो मैं मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेता हूँ कि हमारे IMEI नंबर जो है वो रिपेयर हो चुके हैं या नहीं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मोबाइल ऑन हो रहा है। मोबाइल ऑन हो चुका है। इसके बाद हमने डायलर में जाकर *800 डायल कर लेना है और ये आप देख रहे हैं हमारा IMEI नंबर सक्सेसफुली रिफेयर हो चुका है।